हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा कस्टमर हमारा है, कौन सा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। वेलकम टू सक्सेस मोटिवेशन, मैं हूं अर्पित। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज आज जो ये वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके बिजनेस में और आपके सेल्स में बहुत काम आने वाला है। चलिए बात करें, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी सेल्स के लिए, क्योंकि जब तक हम कंज्यूमर को समझेंगे नहीं कि क्या वो प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, क्या उस प्रोडक्ट में उसकी नीड है, क्या उसको जरूरत है, तब तक प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। फिर चाहे क्यों ना आप किसी फ्री के प्रोडक्ट क्यों ना बेचने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पल्स पोलियो की बात करते हैं तो आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो पल्स पोलियो में मतलब फ्री में पोलियो पिलाया जा रहा था, लेकिन फिर भी इतने लोग नहीं पहुंच पाते थे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मार्केटिंग नहीं थी, प्रॉपर कंज्यूमर को समझा नहीं गया। लेकिन आज की डेट में हम जब बात करते हैं तो प्रॉपर मार्केटिंग है, इतने सारे हम वीडियोस देखते हैं मार्केट में, इतने सारे टेलीविजन पर वीडियोस देखते हैं, तो प्रॉपर मार्केटिंग हो रही है, प्रॉपर कंज्यूमर को समझा जा रहा है, इस वजह से मैक्सिमम लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो कंज्यूमर को जब तक आप समझोगे नहीं, किसी प्रोडक्ट को आप बेच नहीं सकते। दूसरी चीज जो आइडियल हम सब लोगों के अंदर होती है, आइडियल सेल्स पर्सन में होता है कि क्या होता है कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या तो महंगा है, सस्ता है, या हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। कि हर कस्टमर हर प्रोडक्ट के लिए नहीं बना है, लेकिन हर प्रोडक्ट किसी न किसी कस्टमर के लिए बना है। इसको आप बार बार रिपीट करें अंदर कि हर कस्टमर हर प्रोडक्ट के लिए नहीं बना है, लेकिन हर प्रोडक्ट किसी न किसी कस्टमर के लिए बना है। बस आपको सही समय पे सही कस्टमर के पास पहुंचना है। अब हम जब बात करते हैं कस्टमर एनालाइज की, तो उसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहली चीज क्या है कि कस्टमर को एनालाइज करने के लिए, उसके बिहेवियर को एनालाइज करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि कस्टमर डेटा एनालाइज। मतलब कि जितने भी कस्टमर से आप डेली मिलते हो, 1 से 2 से 10 से, उन सब कस्टमर का डेटा आपके पास होना चाहिए। मींस आपने उस कस्टमर से क्या बात करी है, किस प्रोडक्ट में उसने इंटरेस्ट दिखाया है, किस प्रोडक्ट को कितना परचेज करना चाह रहा है और कब तक वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। ये कस्टमर डेटा एनालाइज होना बहुत जरूरी है। उस कस्टमर लिस्ट में से आप ये छाट सके कि कौन सा कस्टमर है जो आज हमारा प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, कौन सा कस्टमर है जो कल हमारा प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, ताकि हम उस पर्टिकुलर कस्टमर को रिकॉल कर सके, रीमार्केटिंग कर सके। तो कस्टमर डेटा होना आपके पास बहुत जरूरी है और उसको टाइम टू टाइम आपको एनालाइज करते रहना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है कस्टमर नीड। कस्टमर नीड को समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, सीधे कस्टमर पास पहुंचते हैं, अपना डेटा खोल के बैठ जाते हैं जो भी आपका ब्रोशर है, और सीधा शुरू हो जाते हैं, सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। नो डाउट एक बार तो उस कस्टमर को आपके सारे प्रोडक्ट बताने होंगे, लेकिन उसमें से आपको फिर कस्टमर के बिहेवियर को समझना है कि कस्टमर किस प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसके बैकग्राउंड को समझना है कि उस कस्टमर को किस प्रोडक्ट की नीड है, उस प्रोडक्ट को आपको पिच करना है। सबसे अच्छा तरीका जो है कस्टमर नीड को समझने का वो है कम बोलो और ज्यादा सुनो। आइडियल क्या होता है, हम लोग ज्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं। जितना ज्यादा हम कस्टमर को सुनेंगे उतना ही ज्यादा हमें उसकी नीड का आइडिया लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि एक डॉक्टर की बात करते हैं, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास अपनी किसी बीमारी को लेके जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम क्लिनिक में घुसे और डॉक्टर सीधा हमें ट्रीटमेंट बता देता है। हमें पहले डॉक्टर सुनता है, हमारी बीमारी को सुनता है, एनालाइज करता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्या खाया था, फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट को प्लान करता है कि हाँ यार ये अब आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। सेम हमारे सेल्स में होता है कि जब भी आप किसी कस्टमर को विजिट करते हो तो सबसे पहले उसको सुनना है, उसके बैकग्राउंड को समझना है और फिर देखना है कि वो क्या प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा है। तो इस तरह से कस्टमर नीड को आप समझ सकते हो। तीसरी टॉपिक आती है वो है कस्टमर को अपना बेस्ट देना, गिव योर बेस्ट टू कस्टमर। यहाँ आपका काम स्टार्ट होता है। होता क्या है, अभी तक आपने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, आपने कस्टमर की नीड को समझ लिया, अब आपका काम यह है कि उस कस्टमर को उसकी नीड के हिसाब से आपको सामान देना है, आपको उसको ऑर्डर देना है। अब वो सामान आप कैसे निकालोगे, आप उस सामान को देने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले उस कस्टमर को समझ लिया आपने, अब आपको 2 मिनट का पोज लेना है। पोज इन द सेंस कि अब आपको सोचना है कि उस कस्टमर ने आपसे ये प्रोडक्ट मांगा है तो ये प्रोडक्ट आपके पास है या नहीं है, है तो किस क्वांटिटी में है, कितना प्राइस है उसका, क्या प्राइस कोट कर दिया। कोट करने से पहले आपने सेल्फ एनालाइज किया तो ही आप उस प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। इंग्लिश में एक कहावत है कि सेल्स कम फ्रॉम वर्ड एंड परचेज कम फ्रॉम साइलेंस। यानी कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को बेचने जाते हो तो प्रोडक्ट बिकता है आपके वर्ड से, क्या आप उसको डेमो देते हो, कैसे आप उसको समझाते हो, लेकिन परचेज आती है जब आप साइलेंस रहते हो, या कस्टमर उस बारे में सोचता है। तो ये सब 3 ऐसे पॉइंट है जो आपके सेल्स में आपको यूजफुल रहेंगे और आई थिंक यूजफुल रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में मेरे से बात करना चाह रहे हैं या किसी टॉपिक पे आप चाह रहे हैं कि वीडियो बने, उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।